हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्जा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्जा ग्रुप। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूट्यूब की तरफ से एक इतना अच्छा अपडेट आया है और इतना अच्छा और इतना फायदा होगा सब लोगों को। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस अपडेट का। तो बिना कोई देरी के चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो देखो, जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, अब वीडियो अपलोड करते ही हम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, थंबनेल लगाना। ठीक है, हम लोग थंबनेल लगा देते हैं। उसके बाद क्या आता है, हम लोग टाइटल डाल दें, तो टाइटल लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके डाल देते हैं, टाइटल हो गया। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या है, हम लोगों ने टाइटल लगा दिया, उसके बाद में हमें अपने अपनी वीडियो की डिटेल लिख दी, उसके बाद में कुछ हमने अपना जो लिखना है वो लिख दिया। लेकिन उसके बाद बात आती है, अगर हम लोग के दूसरे चैनल हैं, जैसे किसी का नॉर्मली जो यूट्यूबर्स हैं उनका एक ही चैनल नहीं होता, तीन चार पाँच इस तरह से चैनल बना के रखते हैं लोग। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बैकअप के लिए चैनल बना के रखते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं उसमें, कि हमने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डालते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लिंक डले हुए होते हैं, वो चैनल के होते हैं, वीडियो के होते हैं, इस तरह से कुछ लोग प्ले लिस्ट का भी डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो पहले लोग डालते थे, पहले में खाली एक लिखा हुआ दिखाई देता था और वो हल्का सा नीला हो जाता था, तो उससे समझ में आता था कि ये लिंक डाला है किसी ने और ये वीडियो है। लेकिन उस चीज़ को हर कोई समझ नहीं पाता था, क्योंकि देखो एक होता है यूनिक टाइप, जैसे मान लो सब्सक्राइब का बटन है, आप लोग को पता होगा पहले रेड था, रेड एकदम से अच्छा लगता था, लेकिन अब व्हाइट हो गया है, तो व्हाइट थोड़ा अजीब है। हालांकि अपडेट है यूट्यूब का, लेकिन बहुत ही अजीब लग रहा है वो हर किसी को समझ नहीं आ पाता कि ये सब्सक्राइब का बटन है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ लेते हैं, जाहिर सी बात है। अब आती है बात के जो अब लिंक हम डालेंगे और उसका किस तरह से लोगो आएगा, कैसे वो दिखाई देगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ मेरे चैनल का, आप देखेंगे तो आप इसमें नीचे में देख रहे होंगे जो रेड कलर का ये जो दिखाई दे रहा है ना, अब अगर हम कोई भी वीडियो का लिंक डालते हैं तो वो इस तरह से होके जाएगा। मतलब जो भी सामने से देखेगा उसको वो इस तरह से लिंक दिखाई देगा, तो वो अलग ही दिख जाएगा कि हाँ ये किसी वीडियो का लिंक है। अब जब किसी को अलग ही दिख जाएगा तो वो जाहिर सी बात है उस पर क्लिक करने में उसको ईजी होगा कि हाँ ये वीडियो है तो मुझे इसको देख लेता हूँ, क्या चीज़ डाला है क्या नहीं। तो इसी तरह से अगर हम दो चार पाँच 10 वीडियो के भी लिंक डालते हैं तो सबके इसी तरह से अलग अलग शेप में आपको दिखाई देंगे, जैसे कि हाँ ये भी लिंक है, ये लिंक है, इस तरह से आपको अलग ही दिखाई देंगे। तो आप दो डालो, चार डालो, 10 लिंक डालो। तो ये वीडियो का जो अपडेट आया है ये यूट्यूब की तरफ से, ये मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम लोग की अर्निंग जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अगर डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्लिक कर लेंगे इस पे। पहले तो ये ऐसा दिखाई नहीं देता था, अब काफ़ी यूनिक दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या होता है, कोई भी लोग होता है वो ज़्यादातर जो यूनिक चीज़ें होती हैं उन्हीं पर ज़्यादा जाके क्लिक करता है वो। फिर आप चाहे थंबनेल पे लगा लो, चाहे आप डिस्क्रिप्शन पे लगा लो, किसी चीज़ पे भी लगा लो, जो यूनिक चीज़ होती है ज़्यादा उसी पे आदमी जाके क्लिक करेगा। अब मेन हो गया कि ये सबसे बड़ी बात है कि इससे हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि 100%, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4% इससे हमारी अर्निंग बढ़ने वाली है, और जो कि बढ़ेगी। और ये अपडेट मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा है। और ये अपडेट यूट्यूब ने जो था 3 महीने पहले निकाला था, लेकिन ये चेक करने के लिए खाली जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को ही इन्वाइट किया गया था इसके लिए। लेकिन आज ये यूट्यूब ने मैं कहता हूँ 99.9% लोगों के पास में अपडेट आ चुका है, कुछ लोग रह गए होंगे उनके पास में आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप ही यूट्यूब पे आ जाता है। और आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।